Hello, good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को. हेलो. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी में. वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? तो जैसा कि आपको पता है 29 दिसंबर से आपका एसएससी जेई मेंस का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए काफ़ी तैयारी आपने अभी तक कर ली होगी. और अभी अपन स्पेशल सेशंस कुछ रखते हैं एग्ज़ाम तक, जिसके अंदर की शॉर्ट टाइम में आपकी रिवीजन हो जाए, या आप ये कहें कि अगर एग्ज़ाम से पहले 2 दिन पहले 3 दिन पहले आपको फटाफट कुछ देखना है, तो इन क्लासेस को आप रेफ़र कर सकते हैं. उन टू द पॉइंट्स टॉपिक के ऊपर जाके उनका रिवीजन आप वहाँ से कर सकते हैं. इसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास को लेते हुए चलेंगे, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो रिवीजन्स के कुछ सेशंस अपने पास 8 से 10 क्लासेज हैं. मेन जो सब्जेक्ट अभी रिसेंट में हुए हैं उनकी अगर अपन रिवीजन नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा. जो सब्जेक्ट्स काफ़ी पहले हुए थे उनकी बात कर लेते हैं फटाफट से. तो उनमें से सबसे पहले आता है हाईवे. हाईवे की बात करते हैं. हाईवे जो आपका है, हाईवे के लिए जो आपका हाईवे सब्जेक्ट है, हाईवे ज़्यादा वेटेज कैरी नहीं करेगा. टू द पॉइंट आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 नंबर का क्वेश्चन 20 नंबर तक जा सकता है. इतने टॉपिक तक रहेगा. कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे, जहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको, उनको मैं आपको बता दूंगा. बस उनके क्लियरली फार्मूला याद रख लेना, कुछ प्रोविज़न याद रखना है वो कर लेना आप, उतने से काम बन जाएगा. कल की क्लास एक रेगुलर क्लासेस, रेगुलर ही चल रही है क्लास दोस्त. कल कोई ऑफिस में कोई क्लास नहीं हुई, दिल्ली ऑफिस से कल कोई क्लास नहीं थी, ठीक है? कल कोई क्लास ही नहीं थी. चलिए शुरू करते हैं. CIL, हाँ जी, नोटिफिकेशन आ चुका है तो आप उसकी भी तैयारी शुरू कर सकते हैं. अभी हाल फिलहाल जो अपनी क्लासेस चल रही हैं प्लस के ऊपर, आप उनसे रेफ़र कर सकते हैं. और डेडिकेटेड जब गेट के लिए अभी हाल फिलहाल में तो मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं. अभी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स चल रहा है गेट पे, वहाँ पे. उसके बाद जब टेक्निकल शुरू होगा तब भी आपको बता दिया जाएगा. तो आप टेक्निकल वहाँ गेट के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं तो उससे रेफ़र कर सकते हैं. अगर आपको SSC के अकॉर्डिंग पढ़ना है तो ऑलरेडी अभी स्टील की क्लास चल रही है, और SSC JEE मेन्स का जो है वो भी बैच ऑलरेडी चल रहा है. चलिए शुरू करते हैं हाईवे इंजीनियरिंग का. हाईवे इंजीनियरिंग बेसिक सी बातें मेंस के अंदर जो कहानियों वाली बातें हैं उन पर ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे कि क्या होता है रोड इंजीनियरिंग, क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन, कैसे आया, पुराने ज़माने में लोग कैसे ट्रैवल करते थे और मॉडर्न, फिर उसके बाद जैसे व्हील की डिस्कवरी हुई, व्हील के डिस्कवर होने के बाद जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस था काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया, उसमें एक नया रेवोल्यूशन आया व्हील के, जैसे ही व्हील जो था वो डिस्कवर किया गया, व्हील के इन्वेंशन के बाद आ गया। उसके बाद अलग अलग तरीके से वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू, लैंड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन जो था वो होता था, लोग एक दूसरे से दूसरी जगह जाते थे। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है रोड ट्रांसपोर्ट, जिसमें कि आता है आपका हाईवे। तो हाईवे अगर प्रोजेक्ट आपको बनाना है, क्वेश्चन किस किस टाइप से आएगा, आपसे ये पूछ सकता है कि राइट डाउन द वेरियस स्टेप्स, या फिर हाउ, व्हाट आर द स्टेप्स, व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी टेकन केयर वाइल डिजाइनिंग अ हाईवे या फिर फॉर रोड प्रोजेक्ट। तो आपको बेसिकली उसके अंदर बताना है कि रोड प्रोजेक्ट के अंदर आप क्या करते हैं, स्टेजेस जो होती हैं बेसिक स्टेजेस, जिसके अंदर आप रिकॉन्सेंस सर्वे करते हैं, फिर उसके बाद प्रिलिमिनरी सर्वे होता है, फिर लोकेशन सर्वे आप करते हैं। तो ये सारे सर्वेज जो हैं बेसिकली आप करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अगर रिकॉन्सेंस सर्वे की बात करें, रिकॉन्सेंस का होता है मेन जो डिटेल्स होती हैं वो कैरी करना, वो सारी डिटेल्स कलेक्ट करना है यहाँ पे। टू कलेक्ट डिटेल्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन अलॉन्ग द रूट विच आर नॉट अवेलेबल इन द मैप, टू कलेक्शन द जियोलॉजिकल फीचर्स ऑफ द फील्ड। बेसिकली रिकॉन्सेंस सर्वे जो है वो एक टाइप का फील्ड सर्वे होता है, तो ये आपको करना होता है। लेवल क्या रहेगा, लेवल दोस्त जेई से तो ऊपर रहेगा, गेट से थोड़ा कम रहेगा, लेकिन कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है, वैकेंसीज भी अच्छी खासी हैं, तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, बस बात यह है कि कंटिन्यूटी मांगती है, कोई भी तैयारी होती है ऐसा नहीं होता है कि किसी पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम के लिए हम तैयारी करते हैं, हम करते हैं तैयारी ओवरऑल पूरे टेक्निकल के लिए। एक बार आपको तैयारी करनी होती है, फिर वो तैयारी हर जगह काम आती है। उसके बाद आपका अपने आप आपको पता होता है कि किस एग्ज़ाम में मुझे क्या क्या चीज़ें ज़्यादा पढ़नी है, ठीक है, कौन से एग्ज़ाम में किन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस देना है। जेई है तो जेई में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अगर आप बात करेंगे गेट के लिए, गेट में कौन से हो जाते हैं, येस में कौन से हो जाते हैं। पहली कंडीशन यही है कि आपको उस लेवल तक पहुँचना होता है कि पहले आपको सब कुछ पढ़ना होता है। एक बार आप टेक्निकल पूरा पढ़ लेते हैं, फिर आपको आइडिया अपने आप ही हो जाता है कि कौन कौन से टॉपिक हैं जहां से ज़्यादातर सवाल बन के आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, हर एग्ज़ाम के लिए पर्टिकुलर अलग से तैयारी करनी होती है, हर एग्ज़ाम के लिए अलग से प्रैक्टिस करनी होती है, बस तैयारी एक बार ही हो जाती है आपकी। अब चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये प्री में भी काम आएगा, मेन में भी काम आएगा। मैं फटाफट समराइज़ करता हूँ क्योंकि यहाँ ज़्यादा नहीं टाइम लगाएंगे, ये क्लास उस टाइम के लिए जब आपके पास टाइम कम है और आपको फटाफट पढ़ना है। फिर उसके बाद आ जाता है दोस्तों प्रिलिमिनरी सर्वे। उसके अलावा जो नेक्स्ट जो अपना स्टेज है, टोपोग्राफी की जो डिटेल्स हैं, वहाँ पे लैंड फीचर्स जो हैं उनकी बात करते हैं। यहाँ भी वही इक्विपमेंट्स यूज़ होंगे, कंपास यूज़ होगा, प्लेन टेबल, थियोडोलाइट, ये सारे यूज़ होंगे वहाँ पे। अलाइनमेंट्स को कंपेयर करेंगे हम और एक गुड रोड अलाइनमेंट जो है वो हम डिसाइड कर लेंगे यहाँ पे। अल्टीमेट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो कंस्ट्रक्शन है वो भी यहाँ पे एस्टिमेट कर ली जाएगी। फाइनलाइज द बेस्ट अलाइनमेंट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड ट्रैफिक ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम यहाँ पे प्रिलिमिनरी सर्वे में कर लेंगे। फिर आएगा आपका लोकेशन सर्वे, इसके अंदर डिटेल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद यहाँ भी इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ हो रहे हैं सेम है, चेन है, टेप है, प्लेन टेबल, थियोडोलाइट एटसेट्रा। डिटेल सर्वे शुड बी कैरिड आउट फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स एंड कंस्ट्रक्शन डिटेल्स फॉर हाईवे प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद हाईवे प्लानिंग इन इंडिया की बात अगर आती है तो छोटा सा क्वेश्चन हो इस हिसाब से पूछा जा सकता है, राइट डाउन अ शॉर्ट नोट इन हाईवे फॉर हाईवे प्लानिंग इन इंडिया, या फिर राइट डाउन अबाउट द कमिटीज़ फॉर्म्ड फॉर हाईवे, या फिर राइट डाउन द ब्रीफ जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो बता दीजिए हाईवे की। तो इस तरीके से कुछ भी पूछ लेगा कि रिसेंट पास्ट के अंदर क्या क्या हाईवे के अंदर जो है वो चीज़ें हुई थी। तो वर्ल्ड वॉर I के बाद 1927 के अंदर एमआर जयकार के कमेटी जो हेड थे उनके अंडर एक कमेटी बनी जिसको जयकार कमेटी बोला गया। डेट्स इंपॉर्टेंट है, 1927 याद रखेंगे यहाँ पे ईयर। उसके बाद They gave more stress on long term planning program for a period of 20 years, 20 साल के लिए इन्होंने 20 years plan बनाए। One of the recommendation जो था वो क्या था कि एक technical body बनाई जाए जिसका नाम क्या होगा, Indian Road Congress IRC, जिसका गठन कब हुआ, 1934 के अंदर हुआ है यहाँ पे। The committee suggested कि टैक्स लगाएं, टैक्स लगाने से कुछ पैसा आएगा और उस पैसे को यूज़ करेंगे रोड डेवलपमेंट के लिए। और जो सेंट्रल रोड फंड जो बना वो कब बना, 1929 में। तो कुछ डेट्स हैं इंपॉर्टेंट, ईयर्स जो हैं वो याद रख लीजिए, 19 1927 जयकार कमेटी, 1934 के अंदर इंडियन रोड कांग्रेस और 1929 के अंदर सेंट्रल रोड फंड जो था वो बना। अ डेडिकेटेड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क। This resulted in the formation of Central Road Research Institute in 1950। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, फिर इनको ब्रीफ इन ज़रूर कर लेना। नागपुर रोड प्लान, ईयर्स याद रखने हैं आपको, टारगेट क्या था वो याद रखना है। तो 1943 में नागपुर रोड कांग्रेस प्लान आया, उसके बाद ये 20 ईयर प्लान था, 1943 से 63 तक फाइनलाइज किया गया था। इसको क्या क्या रोड्स थी, चार टाइप की रोड जो इसके अंदर कंस्ट्रक्ट करी गई, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड्स। उसके बाद कमेटी प्लान टू कंस्ट्रक्ट 2 लाख किलोमीटर ऑफ रोड्स, कितना टारगेट रखा उन्होंने, 2 लाख किलोमीटर और 16 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। रोड डेंसिटी जो थी वो कितनी, 16 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर उन्होंने एम किया। ये जो प्लान था 1961 में ही कंप्लीट हो गया था, 18 साल में ही, जबकि टारगेट क्या था इनका 1943 से लेकर 1963 तक का था, और इनका 1961 में कंप्लीट हो गया। इसलिए बॉम्बे रोड कांग्रेस जो था 1961 में शुरू हुआ, सेकेंड 20 ईयर ओल्ड प्लान था, और इन्होंने यहाँ पे जो टारगेट रखा वो कितना, डेंसिटी 32 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर और कंस्ट्रक्शन ऑफ 1600 किलोमीटर ऑफ एक्सप्रेस वे भी इन्होंने यहाँ पे प्लान किया कि कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इसके अलावा इट एम्ड एट कंस्ट्रक्टिंग अ रोड लेंथ ऑफ 12 लाख किलोमीटर्स रिजल्टिंग इन अ रोड डेंसिटी ऑफ 82 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट डेटा था इसके बारे में। बॉम्बे का ये था 32 किलोमीटर पर 100, और लखनऊ रोड कांग्रेस जो था लखनऊ का था 82। बॉम्बे का कितना है, बॉम्बे का जो था डेटा 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर और 1600 किलोमीटर के एक्सप्रेस वे, और टारगेट यहाँ पे 10 लाख था, यहाँ पे 10 लाख था। फर्स्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट सबसे पहले आपका नागपुर रोड कांग्रेस प्लान था। नागपुर रोड कांग्रेस प्लान ने डेंसिटी मानी 16 पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, रोड कितनी कंस्ट्रक्ट करनी मानी 2 लाख। फिर उसके बाद आया बॉम्बे रोड कांग्रेस प्लान, बॉम्बे ने क्या टारगेट रखा 10 लाख का रखा, और 10 लाख के अंदर डेंसिटी 32 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, इसके अलावा 1600 किलोमीटर के एक्सप्रेस वे भी इन्होंने प्लान किए। लखनऊ जो प्लान था, लखनऊ प्लान के अंदर आपको याद रखना है 12 लाख किलोमीटर टारगेट रखा गया और 82 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर रोड डेंसिटी जो थी वो टारगेट की गई। फिर उसके बाद ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवेज़ पे आ जाते हैं फटाफट से। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के अंदर आपसे जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो इतना नहीं है कि ये सब कहानियाँ आपसे पूछेंगे, डायरेक्ट आते हैं। टाइप्स ऑफ रोड अगर पूछता है क्या क्या टाइप के रोड्स होते हैं, तो रूरल रोड्स हो सकता है, रूरल में कौन से आ जाएंगे, नेशनल हाईवे भी हो सकता है, एक्सप्रेस वे, स्टेट हाईवेज, मेजर डिस्ट्रिक्ट, अदर डिस्ट्रिक्ट, विलेज रोड्स। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो अर्बन रोड्स आती हैं, अर्बन में एक्सप्रेस वे, आर्टीरियल, सब आर्टीरियल, कलेक्टर। टाइप ऑफ व्हीकल के अकॉर्डिंग, व्हाट इज टाइप ऑफ व्हीकल, ये रोड्स हो गई। टाइप ऑफ व्हीकल पे अगर अपन देखें तो जो व्हीकल अपन कंसीडर करते हैं उसको डिज़ाइन व्हीकल बोलते हैं। नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल होगा, 2.5 मीटर लेंथ मानेंगे उसकी विड्थ, और विड्थ ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल 2.7 मीटर। हाइट डबल डेकर बस की 4.7। फिर आता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी जो है किसी भी एरिया की जो फीचर्स होते हैं, लैंड फीचर्स, उनको हम टोपोग्राफी बोलते हैं। इसके अंदर आपका आता है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट या फिर स्लोप जो होता है कि हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल का जो रेशियो है या परसेंटेज है वो क्या होता है, इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे बस ये चीज़ देख लीजिए, प्लेन किसको बोलते हैं टोपोग्राफी के अंदर, प्लेन हम रोलिंग कब बोलेंगे, प्लेन कब बोलेंगे, माउंटेनियस कब बोलेंगे और स्टीप कब बोलेंगे, कि अगर क्रॉस स्लोप जो है वो 10% तक है तो प्लेन बोलते हैं, 10 to 25% है तो उस टाइप की टोपोग्राफी को हम क्या बोलते हैं, रोलिंग बोलते हैं। 25 से 60 है तो माउंटेनियस, 60 से ज़्यादा है तो स्टीप बोलते हैं। फिर ट्रैफिक कैपेसिटी में बस PCU पढ़ लीजिए। PCU क्या होता है, पैसेंजर कार यूनिट होती है। कोई भी व्हीकल्स जो हैं उन व्हीकल्स को हम किसी पर्टिकुलर एक सिंगल यूनिट की फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हैं स्टडी के लिए, आगे फर्दर डिज़ाइनिंग के लिए, उसको पैसेंजर कार यूनिट बोलते हैं। ट्रैफिक कैपेसिटी किस फॉर्म में आती है, एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक की फॉर्म में हम इसको पढ़ते हैं। टोटल ईयरली जो ट्रैफिक आता है डिवाइड बाय 365 हो जाता है। 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम क्या होता है, 30 जो डेटा होता है हमारे पास, जो सबसे हाईएस्ट वाली जो कैपेसिटीज़ होती हैं, सबसे हाईएस्ट जब ट्रैफिक का वॉल्यूम होता है उसमें से जो 30th नंबर वाली जो रीडिंग होती है उसको हम मानते हैं एवरेज। क्यों मानते हैं? क्योंकि हम मैक्सिमम के लिए हमेशा डिज़ाइन नहीं करते हैं। डिज़ाइन स्पीड की बात आ जाती है तो 98% ऑफ व्हीकल्स जिस स्पीड से मूव कर रहे होते हैं उसको हम डिज़ाइन स्पीड बोल देते हैं, या 98th परसेंटाइल स्पीड। बस इतना सा याद रखना है इसके बारे में। डिज़ाइन स्पीड एक्सप्रेसवेज के लिए 120 किलोमीटर, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे के लिए 100 होती है रूलिंग के केस में, मतलब मैक्सिमम सेफ डिज़ाइन स्पीड। मिनिमम जो होती है वो 100 और 80 रिस्पेक्टिवली होती है। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन आपको पता है, दो सर्फेसिस के बीच में जो इंटरलॉकिंग फोर्सेस होती हैं उनको बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल की अगर बात करें, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.35, लेटरल होता है 0.15। स्किडिंग और स्लिपिंग के बीच में अगर 5 नंबर में सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो भी आप आंसर कर सकते हैं यहाँ पे कि एक रेवोल्यूशन ऑफ व्हील से अगर लेंथ में मूवमेंट, लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट अगर पाई डी डिस्टेंस से ज़्यादा हो जाए तो स्किडिंग, कम हो जाए तो स्लिपिंग। दोनों एग्जाम्पल आपके सामने हैं। फर्स्ट वाला जो सर्किल है वो बता रहा है कि थर्ड सर्किल तक अगर वो जाता तो नॉर्मल एक रेवोल्यूशन होता, लेकिन स्लिपिंग में क्या होता है, एक रेवोल्यूशन पहले ही हो जाएगा लेकिन पाई डी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया। स्किडिंग में क्या हुआ, एक रेवोल्यूशन जब तक कंप्लीट हुआ पाई डी डिस्टेंस से ज़्यादा ट्रैवल कर गया, वो आगे चला गया। फिर आता है अनइवननेस इंडेक्स। ये बम्प इंटीग्रेटर क्या होता है? ये एक ऑब्जेक्टिव का सवाल है, सब्जेक्टिव में चांसेस कम है कि ऐसा पूछा जाएगा। अकॉर्डिंग टू अनइवन इंडेक्स कम चांसेस हैं ये सब चीज़ें पूछने के। ट्रैफिक वॉल्यूम के अकॉर्डिंग भी, टाइप्स ऑफ रोड्स, वेरी हैवी ट्रैफिक, बहुत कम चांस है कि ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन आपसे पूछेगा। टनेज के अकॉर्डिंग कैसे है, एक बार देख लेना अगर आप पढ़ पाएँ, वरना इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। नागपुर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या क्लासिफिकेशंस किए गए इसको पढ़ लेना। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट, अदर डिस्ट्रिक्ट, विलेज रोड्स, हमने ये ऑलरेडी बात कर ली थी। नेशनल हाईवे क्या होते हैं, स्टेट हाईवे क्या होते हैं, एक बार गो थ्रू करना इसको। मॉडर्न लखनऊ क्लासिफिकेशन जो है उसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लासीफाई द रोड्स एज पर मॉडर्न लखनऊ क्लासिफिकेशन, सो दे आर क्लासीफाइड एज, हमें वहाँ पे बस यही समझ नहीं आता है कि क्या लिखना था, किस तरीके से क्लासीफाई करके लिखना था इनको। तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे प्राइमरी रोड्स, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इस फॉर्म के अंदर आप इसको लिख सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए सेकेंडरी एंड टर्शरी रोड्स, इनमें आप फर्दर इनका क्लासिफिकेशन एक बार रीड आउट कर लेना। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन एलिमेंट्स की अगर बात आई यहाँ पे तो उसके अंदर इनकी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ कैरिजवे, व्हाट इज़ शोल्डर, व्हाट इज़ कर्व, व्हाट इज़ मीडियन, व्हाट इज़ रोड मार्जिन। इनसे हो सकता है आपसे जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया या 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया, दो चीज़ें एक्सप्लेन करनी आ गई, तो इनकी डेफिनेशंस एक बार देख लीजिए। डायग्राम के थ्रू आप अगर देखें तो कैरिजवे जहाँ पे भी व्हीकल्स जो ट्रैवल करते हैं, जो रोड आप जिसको बोलते हो वो कैरिजवे हो गया। फिर शोल्डर क्या होगा, पार्किंग ऑफ व्हीकल्स के लिए साइड में जो हम जगह छोड़ते हैं वो हो गया। उसके बाद मीडियन अभी आगे आएगा, मीडियन या सेपरेटर जिसके थ्रू हम रोड को सेपरेट कर देते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली, अलग अलग वेज बनाने के लिए। गार्ड रेल्स जो प्रोटेक्शन के लिए होती है कि उधर से कोई भी एनिमल्स या फिर कोई बच्चे हैं या फिर जो भी पब्लिक है वो रोड पे ना आ पाए, और व्हीकल्स अगर बाय एनी चांस उनका एक्सीडेंट हो अनकंट्रोल्ड वे में हो तो वो यहाँ से बाहर ना जाए ताकि और किसी को डैमेज ना हो, तो इन सब वेज से हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद कर्व्स जो होते हैं, अपर रेज्ड एज जो होती है, कर्व बोलते हैं इनको हम। कैरिज वे चांसेस ज़्यादातर ये होते हैं कि ये आपके ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछे जाते हैं आपसे, सिंगल के लिए, ड्यूअल के लिए कितना होता है, या अगर कहीं कभी आपको कोई डिज़ाइन करना पड़े तब उसमें यूज़ आएगा, अदरवाइज इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। डेफिनेशन एक बार पढ़ लेना। शोल्डर जो है, शोल्डर किस लिए यूज़ करते हैं, आर प्रोवाइडेड टू एकोमोडेट स्टॉपिंग व्हीकल, व्हीकल्स को रोकने के लिए यूज़ करते हैं। डिज़ायरेबल होता है 4.5 मीटर और मिनिमम ऑफ 2.5 मीटर ऑन ए 2 लेन रूरल हाईवे। तो बस इतनी बातें लिख देना शोल्डर में, छोटा सा सवाल अगर आए। कर्ब्स की बात करें तो इंडिकेट्स बाउंड्री बिटवीन पेवमेंट एंड शोल्डर और फुटपाथ, और मीडियन बाउंड्रीज की बात करते हैं यहाँ पे। मीडियन की बात करें तो ट्रैफिक सेपरेटर का काम करता है ये, मेनली डिवाइड करता है। अगर ब्रिज आ गया तो ब्रिज के ऊपर कम डिस्टेंस ले लेंगे 1.2 से 1.5, लेकिन अदरवाइज मिनिमम डिज़ायरेबल जो है रूरल हाईवे के लिए 5 मीटर और 3 मीटर तक चल सकता है अगर हमारे पास स्पेस की लिमिटेशंस है तो। रोड मार्जिन की बात करें यहाँ पे तो पोर्शन ऑफ रोड बियॉन्ड द कैरिज वे on the roadway can be generally called as road margin. तो यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि ROW यानी कि राइट ऑफ वे क्या होता है या राइट ऑफ वे में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो एक बार इसको जूम करके देखते हैं यहाँ पे राइट ऑफ वे में क्या क्या इंक्लूडेड होता है। राइट ऑफ वे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो राइट ऑफ वे के अंदर आप देखिए एक तो आपका कैरिज वे इंक्लूड हो गया, फिर उसके बाद शोल्डर्स भी आ गया, रोड मार्जिन जो हैं यहाँ तक आ चुकी हैं। तो जहाँ तक आपकी रोड मार्जिन आपको दिखाई दे रही है, बाउंड्री दिखाई दे रही है अप टू बिल्डिंग लाइन तक, ये सारे क्या हो गया यहाँ पे राइट ऑफ वे हो गया आपका ROW राइट ऑफ वे। शोल्डर्स क्लियरली पता है आपको, कैरिज वे आपको पता है, नेक्स्ट इसी को एक बार रीड आउट कर लेना व्हाट इज़ राइट ऑफ वे, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। फिर कैम्बर क्या होता है, ड्रेनेज के लिए प्रोवाइड करते हैं, कैम्बर होता है, स्ट्रेट हो सकता है, पैराबॉलिक होता है, हो सकता है, इस फॉर्म में हो सकता है, बस इतना लिख देना है हमें। साइड डिस्टेंस कंसिडरेशंस में अब यहाँ से ज्योमेट्री के अंदर न्यूमेरिकल्स जो हैं वो बनने के चांस हो जाते हैं। तो क्या क्या डिस्टेंसेज होते हैं उनकी बात करते हैं फटाफट। स्टॉपिंग और एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस SSD, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस OSD और सेफ साइड डिस्टेंस फॉर एंटरिंग इनटू अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दो हैं, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद ये वाला। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो है मिनिमम कितना आपके पास स्पेस अवेलेबल होना चाहिए, कितना डिस्टेंस अवेलेबल होना चाहिए कि आप अपने व्हीकल को रोक पाएँ प्रॉपरली, ठीक है। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस मतलब कितना मिनिमम स्पेस होना चाहिए कि कोई आगे व्हीकल अगर जा रहा है उसको आप ओवरटेक कर जाएँ, ओवरटेक करके आप प्रॉपरली सेफली सामने से जो व्हीकल आ रहा है उससे ना टकराएं। इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस क्या होता है कि जब आप ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं तो उस केस में आपको इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस जो है वो कितना मानना होता है, ट्वाइस ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि सामने से अगर कोई व्हीकल आ रहा है उसके लिए भी आपने SSD अकाउंट कर लिया और इधर से जो आ रहा है अपना भी अकाउंट कर लिया, तो यहाँ पर हम ट्वाइस ले लेते हैं। फिर साइड डिस्टेंस एट इंटरसेक्शन, कोई अगर ऑब्स्ट्रक्शन है यहाँ पे, यहाँ से एक व्हीकल आ रहा है यहाँ से आ रहा है, तो कितनी जगह अवेलेबल होनी चाहिए कि आप यहाँ पे प्रॉपरली या तो आप धीरे हो जाएं, ये निकल जाए, या फिर दोनों रुक जाएं। तो कोई भी केस जिस केस में कॉलिजन को अवॉइड किया जा सकती है। हेडलाइट साइड डिस्टेंस जो होता है रात को जितनी विजिबिलिटी होती है ड्राइवर को जितना वो देख सकता है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की बात करें तो ये दो तरीके से कंपोज्ड ऑफ होता है, लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस का मतलब क्या है, जैसे आपने ऑब्जेक्ट को देखा तो रिएक्शन लेने में, सोचने में ये सारा टाइम जो निकल जाएगा लैग डिस्टेंस होगा, और जिस मोमेंट तक आप ब्रेक अप्लाई करना शुरू कर देंगे वहाँ से आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस शुरू हो जाएगा। तो लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस जो है हम रिएक्शन टाइम को इसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक हम रिटार्डेशन कंसीडर करेंगे, या आप ये कह लो नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ दिस मूविंग व्हीकल। तो ये यहाँ से लेके यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v थी इस पॉइंट तक, यहाँ आते आते जीरो हो जाएगी, तो ये हमें कैलकुलेट करना होता है। किसके बराबर आता है दोस्तों? फाइनल आपको SSD के फॉर्मूला याद रखने हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक बार आप ये डेरिवेशन भी देख लेना। क्यों? क्योंकि पहले जैसे सुपर एलिवेशन का पूछा हुआ है किसी SSC एग्जाम में और ये आज तक अभी तक पूछा नहीं है, तो हो सकता है आपसे SSD का बोल दे कि डिराइव द एक्सप्रेशन दिस, तो एक बार इसको ज़रूर कर लेना। काइनेटिक एनर्जी जो है उसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पे फ्रिक्शन एनर्जी, या फ्रिक्शन में ये कन्वर्ट हो रहा है, तो इस फॉर्म में एक बार आप इसको रिड्यूस करके ज़रूर देख लेना। अल्टीमेटली आपको जो शॉर्ट फॉर्म में अगर रिवाइज़ करना है, या उस बच्चे की बात करूँ जिसने हाईवे छोड़ ही दिया कि हाईवे नहीं पढ़ना है मुझे, वो ये फॉर्मूले ज़रूर पढ़ लेना। यहाँ पे सिंपल VT मतलब जो आपका लैग डिस्टेंस था वेलोसिटी इनटू टाइम, v²/2g μ, जब आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है वो आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। अप ग्रेडियंट आ गया, बेटर होगा ये वाला याद रखें, इस फॉर्मूला में ऑलरेडी ये वाला इंक्लूड हो जाएगा। स्लोप अगर पॉजिटिव है नेगेटिव है तो उसके अकॉर्डिंग ये, तो एक फॉर्मूला ये याद कर लीजिए v²/2g μ + 0.01n, या फिर n/100 कर लीजिए इसको। v स्मॉल यूज़ किया है तो यहाँ पे क्या होगा, ये मीटर पर सेकंड में आपको वेलोसिटी पुट करनी है, इसमें किलो न्यूटन में करेंगे तो कन्वर्ट कर लेंगे इसको। IRC रिकमेंडेशन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव में एज सच आपसे नहीं पूछेगा, फिर भी ये बातें आपके ज़रूर काम आ जाएंगी कि अगर आपको टू लेन, अगर आपसे वो पूछा गया है कि फॉर सिंगल लेन रोड विद टू वे ट्रैफिक द मिनिमम SSD इज़, तो आपसे वैल्यूज़ दे के पूछ लेगा कि SSD की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होगी, लास्ट में जाके आपको 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा अगर ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में दे दी तो। अनडिवाइडेड हाईवे विद टू वे ट्रैफिक, इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट इज़ नॉट कंसिडर्ड, वर्टिकल कर्व्स पे अगर होगा SSD ऑन वर्टिकल कर्व्स, is calculated along the center line of the curve from which a driver with an eye level of 1.2 meter above the ground can see an obstacle of 0.15 meter. SSD अगर प्रोवाइड नहीं कर सकते तो साइन बोर्ड्स प्रोवाइड करते हैं, ये सिंपल। IRC रिकमेंडेशंस फॉर SSD, अब ये वैल्यूज़ अगर याद रह पाती हैं तो रख लेना दोस्त, नहीं रह पाती हैं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप ये सारा डेटा एज इट इज़ क्रैम करके जाएं। मेनली इस ये फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो ज़्यादातर चांस ये हैं कि इन्हीं से सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा। फिर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की बात आती है तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में यहाँ पर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा। तीन फॉर्म में इसको डिस्टेंस को रिड्यूस करना होगा, D1, D2, D3। D1 में मतलब अगर मूविंग व्हीकल एक B1 था, A1 यहाँ आया, यहाँ से यहाँ पहुँचा, इसके बराबर स्पीड हो गई इसकी, फिर यहाँ से उसने एक्सेलरेट करना शुरू किया, इसके बराबर गया यहाँ तक, जब तक B1 यहाँ से यहाँ तक आ चुका था, फिर यहाँ से इसने इसको ओवरटेक किया और वापस अपनी वेलोसिटी से चलने लग गया। तो ये जो डिस्टेंसेस है ये आपको कैलकुलेट करने होंगे, जिसके अंदर की D1 जो है वो VBT यानी कि V की जो वेलोसिटी होगी, B की वेलोसिटी होगी, उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस D1 ट्रेवल होगा। D2 के अंदर एक्सेलरेशन उसने किया है, उस D2 को भी आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं S, B और S की फॉर्म के अंदर, जिसकी वैल्यूज़ क्या होगी 0.7 VB प्लस L। फिर यहाँ से आप अगर टाइम अगर आपसे पूछा जाए कि कितना टाइम यहाँ पे अगर जो है वो लगा तो किसके बराबर होगा √4S/A। तो मेन जो फार्मूलाज हैं या तो आप वो याद कर सकते हैं, अगर आप पूरे प्रोसेस से कर सकते हैं तो अच्छी बात है। D2 किसके बराबर हो जाएगा, जिस एक्सेलरेशन से उसने एक्सेलरेट किया, जितना टाइम उसको लगा इंटू जो इसका शुरू वाला टाइम था VB इंटू T, वो टाइम इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। एक्सेलरेशन की रिकमेंडेशन कितनी अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखी है तो यूज़ करनी है आपको। अगर स्पीड जो है वो 80 है तो एक्सेलरेशन 0.72 होगा, 100 है तो 0.53 कंसीडर कर सकते हैं आप यहाँ पे। और क्या IRC रिकमेंडेशंस हैं, IRC रिकमेंडेशंस और क्या क्या बोलते हैं। OSD की वैल्यू जो है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस D1 प्लस D2 होगी, किस केस में अगर डिवाइडेड हाईवे है मतलब सामने से कोई ट्रैफिक ही नहीं आ रहा है तो उस केस में इसके बराबर ही हो जाएगी। इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट जो है वो कंसीडर नहीं करते हैं। इफ़ OSD कैन नॉट बी प्रोवाइडेड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द रोड वी प्रोवाइड ओवरटेकिंग जोन, स्पेशल जोन्स बनाएंगे अगर हम डिस्टेंस वहाँ पे OSD प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं तो। डिज़ायरेबल लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन इज़ 5 times OSD, 5 times तक हम उसको रखते हैं। फिर साइट डिस्टेंस एट इंटरसेक्शन एज सच, इससे कुछ खास नहीं पूछ सकता है आपसे। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट डिटेल में चलें तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, जहाँ से आपसे रेडियस, सुपर एलिवेशन, एक्स्ट्रा वाइडनिंग, ट्रांजिशन कर्व, सेटबैक डिस्टेंस, दिस इज़ द इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इस पे देखते हैं। सबसे पहले आते हैं डिज़ाइन स्पीड। तो डिज़ाइन स्पीड के अंदर आपको पता है कोई भी व्हीकल अगर कर्व पे मूव कर रहा है तो उसके ऊपर आउटवर्ड क्या लगती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, इनवर्ड क्या लगेगा, इस तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगी, आप उन्हीं को इक्वेट करवाते हैं। तो अंदर की तरफ आप देखेंगे यहाँ पे एक तो बाहर की तरफ उसके ऊपर मूवमेंट हो रहा है और एक क्या हो रहा है इस तरफ रोड के इंटरनल साइड में। तो mv²/r आपका क्या हो गया, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गई, mv²/r हो गया। अंदर की तरफ अगर आप देखेंगे इस तरफ जो व्हीकल है उसका कंपोनेंट बढ़ जाए, बाहर की तरफ इसकी टॉपलिंग ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं सुपर एलिवेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिपेंड्स अपॉन स्पीड एंड रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व, क्योंकि mv²/r है यहाँ पे, इज काउंट एक्टेड टू अ सर्टेन एक्सटेंट बाय ट्रांसवर्स फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द पेवमेंट सरफेस। अगर व्हीकल जो है वो इस तरीके से मूव करके ऐसे आ रहा है तो कुछ ना कुछ लेटरल इस तरीके से फ्रिक्शन उसको मिलता है, तो कुछ तो वो सपोर्ट कर देता है, कुछ हम यहाँ पे इसको लिफ्ट करेंगे रोड को सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हुए। तो वो वैल्यू जो है, पहली बात अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि सेंट्रीफ्यूगल रेशो आपसे पूछी है तो वो किसके बराबर होता है, P/W के बराबर होती है वो, P/W, या आप ये कह लो कि P की वैल्यू होती है mv²/r, W = mg होता है, तो P/W = V²/gr के बराबर होता है। यहाँ से अगर टॉपलिंग की कंडीशन आपसे पूछते हैं कि पहले व्हीकल टोपल होगा या फिर स्किड होगा, कैसे होगा, तो उसको आप कैसे पता करते हैं, इस पूरे व्हीकल का वेट mg आपने यहाँ कंसिडर कर लिया, रिएक्शन इस व्हील पे R1 लग रहा था, इसके ऊपर आपको R2 लग रहा था, और P जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड लग रही थी इस तरफ लग रही थी, H हाइट आपने मान ली कि ये CG ऑफ दिस व्हीकल है, वो H हाइट है। फिर आप क्या कंसिडर करेंगे, आउटर व्हील जो होता है, आउटर व्हील के अबाउट आप क्या कर सकते हैं, इसकी मोमेंट जो है वो आप कंसीडर कर सकते हैं। आउटर व्हील के अबाउट अगर आप मोमेंट जो है वो कंसीडर करेंगे तो उस केस में क्या होगा, अगर आपको स्किडिंग नहीं चाहिए तो उस केस में P की वैल्यू μmg के बराबर होगी, हैंस फॉर नो स्किडिंग P should be less than equals to mu mg and P upon mg is equal to less than equals to mu या फिर v square upon gr less than mu होना चाहिए यहाँ पे। तो ओवरऑल एक बार कंडीशंस देखते हैं यहाँ पे। टू अवॉइड बोथ स्किडिंग एंड ओवरटर्निंग, स्किडिंग और ओवरटर्न दोनों अवॉइड करने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? v square upon gr या p upon mg should be less than b by 2h should be less than म्यू। पूरी की पूरी एज इट इज इक्वेशन आप ये याद कर लो कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि टू अवॉइड बोथ स्किडिंग एंड ओवरटर्निंग तो आपको b की वैल्यू, h की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज आपको ऑलरेडी गिवन होगी। b क्या है? दोनों व्हील्स के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। h जो है व्हीकल के cg तक का डिस्टेंस है यहाँ पे। r1 r2 जो इन व्हील्स के ऊपर रिएक्शंस लग रहे हैं। क्लियर? तो हमने बेसिकली कहाँ से शुरू किया? यहाँ पे हमने मोमेंट ले लिया, किसके अबाउट? आउटर व्हील के अबाउट। आउटर व्हील ये वाला है इस केस में, इस व्हील के अबाउट हमने मोमेंट ले लिया। तो P इंटू यहाँ पे H है तो P इंटू H हो गया। इस तरफ W लग रहा था कितने डिस्टेंस के ऊपर? B बाई 2 पे। तो बस इनको इक्वेट करवाया। यहाँ से हमने ये कंडीशन डेवलप की कि अगर ओवरटर्निंग पॉसिबल कब है? B अपॉन 2H इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। सेफ्टी के लिए क्या होना चाहिए? B अपॉन 2H शुड बी ग्रेटर देन वी स्क्वायर अपॉन जी आर। SSC JE 2019 प्री अपन प्लस पे तो ऑलरेडी चल ही रहा है, यूट्यूब पे जनवरी से शुरू कर देंगे। फॉर नो स्किडिंग आपको बता दिया कि म्यू की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर या सेंट्रीफ्यूगल रेशियो से ज़्यादा होना चाहिए म्यू की वैल्यू। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला पार्ट। ना ओवरटर्निंग हो ना स्किडिंग हो उस केस में। फिर आगे चलते हैं जल्दी से। ये वाले दो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं कि b अपॉन 2h ग्रेटर देन f या फिर म्यू है तो व्हीकल जो है विल स्किड बिफोर ओवरटर्निंग। अगर म्यू इज ग्रेटर देन b अपॉन 2h तो व्हीकल विल ओवरटर्न बिफोर स्किडिंग। ये दो बातें बस याद रखनी है। ओवरऑल कंडीशंस आपको बताई दी। सुपर एलिवेशन का ऑलरेडी आपसे एसएससी में पहले सवाल पूछा जा चुका है कि इसका डेरिवेशन आया हुआ है तो चांसेस कम है कि फिर से आपसे डिराइव करने के लिए बोले और ये चांसेस हो सकते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछ ले डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड। तो सुपर एलिवेशन के केस में जो सबसे नीचे नीचे आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर, ये आप याद कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम टाइम में इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको रिवाइज करना है तो मैं जल्दी से एक बार शुरू से बस स्लाइड्स विजिबल करवा देता हूँ। एक बार आप देखना इसको तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं इसको। चलिए अब आगे बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। सुपर एलिवेशन फॉर्मूलाज याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर मैक्सिमम एंड मिनिमम सुपर एलिवेशन डिपेंड किस पे करता है? स्लो मूविंग व्हीकल या हैवीली लोडेड ट्रक है विद हाई सीजी, इन सब के ऊपर। सुपर एलिवेशन मैक्सिमम जो है वो 7% प्लेन एंड रोलिंग के लिए प्रोवाइड करते हैं, हिली के लिए 10% प्रोवाइड करते हैं। मिनिमम सुपर एलिवेशन 2 to 4% फॉर ड्रेनेज पर्पस स्पेशली फॉर लार्ज रेडियस ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व। तो 7, 10 और 4% ये वैल्यूज़ आपको एक बार इसकी देख लेनी है। ये जब भी सुपर एलिवेशन अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ये वैल्यूज़ याद रखनी है। रेडियस ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व की अगर बात करें, रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व रूलिंग वी स्क्वायर अपॉन जी ई प्लस एफ, सेम आप वहाँ से फॉर्मूला जो है वो यूज़ कर सकते हैं। एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ कर्व क्या होती है? सबसे पहले दो तरीके से हम कर सकते हैं। जब भी व्हीकल हमारा कर्व के ऊपर टर्न ले रहा है तो उस टाइम हमें ज़रूरत पड़ती है कि क्या होगा, व्हीकल जो है उसका जो व्हील है वो टर्न लेते समय रोड से बाहर तक जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑफ ट्रैकिंग बोलते हैं। दूसरा क्या होता है कि हमारी साइकोलॉजी होती है कि हम मार्जिन से दूर चलने की कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि दूर दूर रहें आउटर बाउंड्री से, तो उसके लिए भी हम थोड़ी एक्स्ट्रा बाउंड्री प्रोवाइड कर देते हैं ताकि स्मूथ टर्निंग हो जाए। एक तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ कर्व्स इसके लिए प्रोवाइड करते हैं। तो मैकेनिकल प्लस साइकोलॉजिकल होती है, फार्मूला आपके सामने और याद कर लीजिए इसको। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, एज इट इज़ आता है, एनएल स्क्वायर अपॉन 2R प्लस वी अपॉन 9.5 रूट आर। तो यहाँ पे आपकी मैकेनिकल प्लस साइकोलॉजिकल जो वाइडनिंग है दोनों इसमें इंक्लूड हो जाएगी। सिर्फ मैकेनिकल पूछा है तो आप सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल भी है तो दोनों कंबाइन करके आप यूज़ कर सकते हैं इस फार्मूला को। एन नंबर ऑफ ट्रैफिक लेन्स हैं, एल लेंथ ऑफ व्हील बेस, R इज द रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व, V जो है डिज़ाइन स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि कैपिटल V लिखा है यहाँ पे। फिर आते हैं ट्रांजिशन कर्व पे। ट्रांजिशन कर्व क्या होता है आपको पता है, रेडियस से सर्कुलर पाथ पे आने के लिए या सर्कुलर पाथ से फिर से वापस अगर आपको जाना है स्ट्रेट पाथ पे, तो उसके लिए ट्रांजिशन कर्व यूज़ करते हैं। काम की बात पे चलते हैं फटाफट, जो आपको याद रखना है वो क्या है, ट्रांजिशन कर्व के अंदर तीन तरीके से हम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व पता कर सकते हैं। चांसेस कम है कि इनकी डेरिवेशन या फिर ये जो पूरा आपको स्टेप वाइज पूरा सॉल्व करा हुआ वो दिख रहा है यहाँ पे इस तरीके से पूछे, ज़्यादातर यही होता है कि न्यूमेरिकल आता है, डायरेक्ट आता है। और उस क्वेश्चन में बस आपको ये पहचानना है, आपसे पूछा जाएगा लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व बता दो, शिफ्ट बता दो। अब तीन केस बनते हैं इसके। पहला आता है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग, तो सिंपल फार्मूला याद रखना है, वी क्यूब अपॉन सी आर। सी की वैल्यू गिवन होगी आपको, वी की वैल्यू वेलोसिटी की वैल्यू, रेडियस आपको दे रखी होगी या कैलकुलेट कर सकते हैं आप। तो सिंपल फार्मूला वी क्यूब अपॉन सी आर फार्मूला याद रखना है किस केस में अगर सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन आपको दे रखा है तो। सी की वैल्यू का भी अगर बहुत ज़्यादा टफ ही पूछना हुआ तो वो इस फॉर्म में ये वैल्यू ज़रूरत पड़ेगी, वरना दिस फार्मूला इज सफिशिएंट। आपको सी की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में, चांसेस है एसएससी का एग्जाम है तो देना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन के केस में जो ट्रांजिशन कर्व की वैल्यू है ये आपको कैलकुलेट करनी है, पर वो किस पे डिपेंड कर जाएगी, वो इस पे डिपेंड करेगी कि जो सुपर एलिवेशन है वो कैसे प्रोवाइड किया है, आउटर एज को रेज किया है, सेंटर के अबाउट रेज किया है, कैसे किया है। तो इसमें दो केस बनते हैं आपके। फर्स्ट केस आपका कौन सा है, LS2, जिसके अंदर क्या कर रहे हैं, व्हेन सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड बाय रेजिंग द आउटर एज विद रिस्पेक्ट टू इनर एज, सिर्फ आउटर को उठा दिया विद रिस्पेक्ट टू इनर। तो यहाँ पे किसके बराबर आ जाएगा, NE इंटू डब्ल्यू प्लस WE के बराबर आएगा। अगर सेकेंड केस देखें यहाँ पे, जिसके अंदर सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड अबाउट रोटेटिंग अबाउट द सेंटर, सेंटर के अबाउट अगर इसको रोटेट कर दिया यहाँ पे, इस केस में अगर आपसे पूछा है तो आपको बस यहाँ पे डिवाइड बाई 2 करना है। तो सेंटर के अबाउट होगा तो डिवाइड बाई 2, अगर सिंपल आउटर एज को रेज किया है तो दिस। तो दूसरा फार्मूला, दो फार्मूला ही याद किए अभी तक, इतनी बड़ी कहानी पूछने के चांसेस बहुत कम रहते हैं यहाँ पे। क्लियर? ठीक है। तो विड्थ ऑफ द रोड प्लस एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो भी आपको यहाँ पे लेंथ दे रखी है LS2 आपको कैलकुलेट करना है इस फॉर्म में। तो फाइनल बस फार्मूलाज याद रखिए, काम बन जाएगा आपका। तो ये हो गया आपका किसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन के बेसिस पे। अगर सेंटर के अबाउट है तो डिवाइड बाई 2 कर दो, सिंपल आउटर एज को रेज किया है तो डिवाइड बाई 2 नहीं करना, NE इंटू W प्लस E के बराबर आपको यहाँ पे रखना है। N जो भी आपको यहाँ पे स्लोप दे रखा हो जितना रेज किया है आपने, अगर C नहीं दिया तो C की वैल्यू दोस्त आप कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर आपको वो C का फॉर्मूला याद रखना होगा। RPSC AE में आया था, हाँ दोस्त RPSC AE में सिंपल आपको बस 20 नंबर में सवाल था, और ये फार्मूला अगर याद था ना, 20 नंबर बताओ किसे कहते हैं 20 नंबर, चलिए आगे बात करें। नेक्स्ट तीसरा आता है एम्पेरिकल फॉर्मूला 2.7 वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। एक बार आप इसको पढ़िए। सभी वैल्यूज़ आपको गिवन होगी, बिल्कुल सभी वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन होगी, बस आपको ये केसेस याद रखने हैं कि किस केस में आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, कुछ कंडीशंस आपको क्या दे रखी है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। सेटबैक डिस्टेंस अगर आपसे पूछता है, चांसेस बहुत कम है, मेनली जो आपका ट्रांजिशन कर्व बनता है या शिफ्ट इसके अंदर पूछता है। तो शिफ्ट का फॉर्मूला LS स्क्वायर अपॉन 24R, बिल्कुल सिंपल बेसिक सा फॉर्मूला है। तो जो RPSC में जो क्वेश्चन आया था उसमें शिफ्ट पूछी थी, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व पूछा था, तो दो फार्मूले अगर आपको याद हैं तो 20 नंबर आराम से आपके पूरे पूरे बन जाते हैं यहाँ पे। तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व मैक्सिमम ऑफ LS1, LS2, LS3, जो तीनों केसेस में हमने लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व अगर निकाले तो उनका मैक्सिमम लेते हैं। हालांकि क्वेश्चन में अगर डेटा आपको इनसफिशिएंट गिवन है या सिर्फ इसी एक केस का ही गिवन है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्म में। सेटबैक डिस्टेंस के बाद आगे चलते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट्स के अंदर। वर्टिकल अलाइनमेंट्स में ग्रेडियंट आ जाता है, लिमिटिंग ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट किसको बोलते हैं, रूलिंग ग्रेडियंट किसको बोलते हैं, आपके सामने है। एक बार इसको रीड करिएगा जल्दी से। नेक्स्ट, ग्रेड कंपनसेशन। अगला जो आपका पार्ट आता है वो आता है ग्रेड कंपनसेशन। ग्रेड कंपनसेशन किसको बोलते हैं कि अगर कर्व भी आ गया और वर्टिकल अलाइनमेंट भी है यहाँ पे, यानी कि आपको वहाँ पे कर्व के ऊपर भी चढ़ना है और चढ़ाई पे भी जाना है, उस केस में क्या करते हैं आप यहाँ पे ग्रेड जो है उसको कम कर देते हैं, कंपनसेट कर देते हैं ताकि व्हीकल जो है वो प्रॉपरली मूव कर पाए, उसको ग्रेड कंपनसेशन बोलते हैं। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि ग्रेड कंपनसेशन जो है कितना करेंगे, 30 + R/R या फिर मैक्सिमम कितना होगा 75/R, यानी कि इन दोनों में से 30 + R/R और 75/R में से मैक्सिमम वैल्यू हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो इसी तरीके से एक छोटा सा एग्जांपल पहले भी हमने क्लास में किया था, आपको रूलिंग ग्रेडियंट दे देगा, व्हाट इज द ग्रेड कंपनसेशन, तो ग्रेड कंपनसेशन 30 + R/R और 75/R कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। और कंपनसेटेड ग्रेड जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4% या फिर 4 मिनिमम हम मान के चलेंगे। उसके बाद वर्टिकल कर्व्स पे आ जाते हैं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो वर्टिकल कर्व्स हैं उसके अंदर जो क्वेश्चन अगर बन सकता है वो किस पे बनेगा, OSD, ISD या फिर SSD एज पर द गिवन कंडीशन। तो बस ये आपको 4 फॉर्मूले जो हैं ये याद रखने हैं। H1, H2 की वैल्यूज़ आपको यहाँ पे गिवन है। सबमिट कर्व के अंदर आपको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना हो किस केस में कैसे होगा, चारों को बस एक बार रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व ऑलरेडी डन, इन फॉर्मूलों की इतनी ज़रूरत नहीं है। पेवमेंट मटेरियल्स पे आ जाते हैं जल्दी से। पेवमेंट मटेरियल जो है एक बार आपको पता ही है, सरफेस, बेस, ग्रेनुलर, सब बेस, सब ग्रेड, ये होता है सब ग्रेड, सबसे नीचे वाला पार्ट होता है। यहाँ पे पेवमेंट मटेरियल्स के अंदर सॉइल होता है, क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए आप सभी को आप जनरल कहानियाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें हम यहाँ पे एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स के बारे में भी जो है वॉल्यूम जो होता है 92 to 96% जो होता है बिट्यूमिनस कंक्रीट के अंदर, उसमें से 70 to 80% पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट यूज़ होती है। एग्रीगेट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर बेस एंड सब बेस कोर्सेज। ये बेसिक सी बातें हैं। स्ट्रेंथ जो है एग्रीगेट्स की अच्छी होनी चाहिए, वेयर एंड टियर जो है वो नहीं होना चाहिए इतना ज़्यादा, टफनेस होना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, ये सब बातें कहानियाँ हैं सिर्फ। टेस्ट पे आ जाते हैं जल्दी जल्दी से। टेस्ट इंपॉर्टेंट अगर पूछ लिया जाए, क्रशिंग टेस्ट जो है उसके अंदर आपको ऑलरेडी पहले बता रखा है, बिल्डिंग मटेरियल में भी एग्रीगेट्स के ये सारे टेस्ट हम कवर कर चुके हैं। क्रशिंग, एब्रेजन टेस्ट एक बार आपके सामने, अगर आपको रीड करना हो एग्जाम टाइम में तो आप रीड कर सकते हैं इसको यहाँ से। साउंडनेस टेस्ट, नेक्स्ट इम्पैक्ट टेस्ट। इम्पैक्ट टेस्ट में बस ये हाइट्स और वेट जो है वो आपको याद रखना है कि एग्रीगेट्स जो हैं वो हम कितने साइज़ से 10 से लेके 12.5 mm के बीच में यूज़ करते हैं। वेट जो है अप्रॉक्सीमेटली 40 kg का वेट होता है, 14 kg का वेट होता है, जिसको कि हम 25 नंबर ऑफ़ टाइम्स यहाँ पे इसके ऊपर हिट करवाते हैं। कितनी हाइट से करवाते हैं, ऑलमोस्ट 38 से लेके 40 सेंटीमीटर की हाइट से इसको ड्रॉप करवाते हैं। फिर जो सीव होती है 2.36 mm की सीव होती है, उससे पास करवाते हैं इसको। शेप टेस्ट, शेप टेस्ट के लिए आपको ऑलरेडी बता रखा है, फ्लेकी है, कैसा है, इलोंगेटेड है, वो टेस्ट आप कर सकते हैं यहाँ पे। ये वैल्यूज़ आपके सामने है, फ्लेकी कब बोलेंगे, इलोंगेटेड कब बोलेंगे। IRC रिकमेंडेशन, दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, और अगर सब्जेक्टिव में आप टेस्ट बता रहे हैं तो इनको आप साथ में लिखेंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। फिर व्हाट इज़ एसफाल्ट, एसफाल्ट के बारे में अगर पूछ लेता है इन एनी केस, बिटुमेन का जो प्रोडक्ट है ये एसफाल्ट या बिटुमेन। एसफाल्ट कंपोजिट मिक्स होता है बिटुमेन, सैंड और एग्रीगेट का। फिर कोल टार का क्या है ये भी एक बार बस जस्ट रीड इट आउट, दैट इज़ सफिशेंट एग्ज़ाम टाइम में अगर आप पढ़ रहे हैं तो। बिटुमिनस मटेरियल्स के बारे में आएँ अगर हम, तो कटबैक बिटुमिन क्या होता है। सॉल्वेंट टू, कटबैक बिटुमिन, सूटेबल सॉल्वेंट इज़ यूज टू लोअर द विस्कोसिटी ऑफ द बिटुमिन। 85% एसफाल्ट सीमेंट होता है, 15% कटर होता है, पेट्रोलियम डिस्टिलेट यूज़ करते हैं कटबैक बिटुमिन में। नेक्स्ट चलें बिटुमिन इमल्शंस, बस इनको एक बार रीड करना है और अगर जस्ट एग्ज़ाम से पहले देख रहे हैं तो मत देखिए, चाहे इतना नॉट सो इम्पॉर्टेंट। टार जो है कितनी ग्रेड्स का होता है, 5 ग्रेड्स का होता है। एक बार रीड आउट कर लेना अगर टार के बारे में कोई क्वेश्चन आता है। RT1 कहाँ यूज़ करेंगे, सरफेस ड्रेसिंग के लिए। RT2 पेंटिंग के लिए। RT3 जो है सरफेस पेंटिंग या फिर प्रीमिक्स चिपिंग के लिए। RT4 फॉर प्रीमिक्स टार मैकेडम, ग्राउटिंग एंड वाटरप्रूफिंग के लिए RT5 यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। टार जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमें मिलता है, 5 ग्रेड्स होते हैं, इसके ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मॉडिफाइड बिटुमिन आ गया, जस्ट एक बार पढ़ लेना अगर आपके पास टाइम हो। इनके कंपैरिजन एक बार रीड आउट कर लेना, बिटुमिन और टार में क्या क्या होता है। वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ये वुड से मिलता है या कोल से मिलता है। बिटुमिन जो है वो कम्प्लीटली सॉल्यूबल होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड में, और ये सिर्फ टोलिन में सोल्यूबल होता है टार। सुपीरियर ड्यूरेबिलिटी एंड वाटर रेजिस्टिंग कैपेसिटी होती है। यहाँ पे मोर टेम्परेचर ससेप्टेबल होता है ये, वो लेस टेम्परेचर ससेप्टेबल। इसमें ज़्यादा फ्री कार्बन होता है, उसमें लेस फ्री कार्बन होता है। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं बिटुमिन की, टेम्परेचर ससेप्टेबल होना चाहिए, मतलब जो भी एक अच्छी रोड के लिए होता है वो सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पे लिख दीजिए कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब टेस्ट पे आ जाते हैं, तो इन टेस्ट को एक बार देख लेना। पेनिट्रेशन टेस्ट जो है वो हम करते हैं इसके ऊपर, डक्टिलिटी टेस्ट होता है, और कौन सा टेस्ट होता है, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट, फायर एंड फ्लैश पॉइंट टेस्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, विस्कोसिटी टेस्ट, फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट, सॉल्युबिलिटी, वाटर कंटेंट। एक बार बस इनको रीड आउट करना है आपको, इतना बस, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टेस्ट को अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, याद रह जाएगा। वहाँ पे अगर आता है तो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर पेवमेंट्स के बारे में सवाल आता है तो फ्लेक्सिबल रिजिड पेवमेंट्स के बारे में आप बताएंगे वहाँ पे। सीक्वेंस सेम, सब ग्रेड, सब बेस, बेस बाइंडर, सरफेस कोर्स। इनके बीच वाले भी अगर आपको याद रह पाते हैं कि सील कोट आता है, फिर टैग कोट आता है, फिर उसके बाद प्राइम कोट आता है, तो और अच्छी बात है। उसके बाद सारी ये सब कहानियाँ हैं सिंपल दोस्तों, इतना ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट, ये टेस्ट तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं ना। फंक्शंस ऑफ लेयर क्या होता है, एक बार रीड करना है बस इनको, किस किस लेयर का क्या फंक्शन होता है। इतना ज़्यादा मतलब ऐसे इन डेप्थ इनसे आपसे इतना नहीं पूछने के चांसेस हैं। पूछेगा तो इस तरीके से पूछ सकता है, राइट डाउन अबाउट द फेलियर्स ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स, तो क्या क्या फेलियर हो सकते हैं, फटीग क्रैकिंग हो सकती है, सरफेस डिप्रेशंस हो सकते हैं यहाँ पे, या फिर क्रेक्स परपेंडिकुलर टू द सेंटर लाइन। इस तरीके से बस इनको एक एक बार रीड आउट कर लेना है। रटिंग किसको बोलते हैं ये सब देख लेना बस। रटिंग अकर्स ओनली ऑन फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स, जहाँ पे हैवी लोड्स सेम जगह से काफ़ी टाइम रुक जाते हैं या फिर कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, तो ये बोलते हैं। रिजिड पेवमेंट के अंदर सीमेंट, जो पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट यूज़ करते हैं, बेस सब बेस के ऊपर। दोनों के बीच में डिफरेंस एक बार देख लेना, क्या क्या इनके बेनिफिट होते हैं, नुकसान होते हैं। व्हाट इज़ द फेलियर क्राइटेरिया फॉर रिजिड पेवमेंट, यहाँ पे होता है फटीग फेलियर, थर्मल क्रैकिंग, मड पंपिंग। और वहाँ पे आपको अभी बताया था इसके जो फेलियर क्राइटेरिया हैं, फटीग क्रैकिंग, उसके बाद रटिंग, उसके बाद थर्मल क्रैकिंग। तो दोनों को बस, दोनों के अलग अलग फेलियर्स आप लिख लेना अगर आपसे फेलियर्स पूछे जाते हैं तो। फिर पेवमेंट डिज़ाइन, चांसेस कम है पेवमेंट डिज़ाइन से रिलेटेड वाला पार्ट पूछने के, एक बार देख लेना। रिजिडिटी फैक्टर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपल 5-10 नंबर में आएगा तो, कॉन्टैक्ट प्रेशर अपॉन टायर प्रेशर के बराबर होता है। वैल्यूज़ देखना, ऑब्जेक्टिव में आती हैं ये वाली वैल्यूज़। फिर आगे डिज़ाइन लोड कॉन्फ़िगरेशन, ये वैल्यूज़ पूछने के बहुत रेयर चांसेस हैं, इनको चाहे आप मत पढ़ना। अब तक अगर हाईवे का अपन देखें तो हाईवे में बहुत कम चीज़ें ये पूछी गई हैं। इक्विवेलेंट सिंगल टेस्ट, CBR टेस्ट पढ़ लेंगे बस, यहाँ तक इतना बहुत है। ग्रुप इंडेक्स हम सॉइल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। CBR वैल्यू मैथड, इनको जस्ट एक बार रीड आउट कर लेना। इतना मतलब हाईवे में जितना जितना पार्ट आज आपको बता दिया, कम टाइम के अंदर पढ़ने के लिए दीज आर द बेस्ट। न्यूमेरिकल अगर आपको पढ़ने हैं तो न्यूमेरिकल के अंदर आप देखो, इसी से रिलेटेड डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आएगा। डायरेक्ट आपको फार्मूला पढ़ना है और डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा SSC के अंदर। ऐसा कुछ नहीं है, इतना लंबा चौड़ा डिज़ाइन जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, बस ये आज की क्लास करने का मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था। बहुत बार ऐसा देखा जाता है बच्चे फटाफट जब भी कोई एग्ज़ाम होता है तो उस पूरा सब्जेक्ट फटाफट आंखों के आगे से निकालना होता है, या बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं उस टाइम, या कहीं भी ऐसे तो टाइम वेस्ट ना हो। तो इस तरीके से अपन सारी जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके अपन रिविजन्स कर लेंगे, जिन जो टॉपिक्स की जस्ट एग्ज़ाम से पहले हमें ज़रूरत पड़ती है उनके ऊपर फोकस करेंगे, रादर देन कि जनरल जो थ्योरी वाला पार्ट होता है कुछ कहानी वाला, या फिर आपसे पूछा जाए कि राइट डाउन द गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रोड। तो आपको सभी को ही पता है कि अच्छा ड्रेनेज होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, टेम्परेचर कम आना चाहिए, उस पर जितने भी डिज़ाइन लोड्स होते हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम रेजिस्ट कर पाए, रटिंग नहीं होनी चाहिए, थर्मल क्रैकिंग नहीं आनी चाहिए, सारी कहानियाँ जो आपको पता है वो आप लिख सकते हैं वहाँ पे। लेकिन फार्मूला है, फार्मूले में क्या कहानी बनाएंगे, अगर याद है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। तो एग्ज़ाम से जस्ट पहले वाली जो चीज़ें हैं उनको अपन ने फटाफट एक बार रिवाइज कर लिया है, अलॉन्ग विद द प्रॉपर विजुअलाइजेशन कि आप वहाँ पे वीडियो पॉज करके और देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको एसएससी जेई 2019 के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है, और या फिर आप 18 के मेन्स के लिए भी पढ़ रहे हैं, तो अभी जो स्टील स्ट्रक्चर्स है अपना पूरा डिटेल में चल रहा है फुल डेप्थ के अंदर, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। स्टील स्ट्रक्चर्स जो है ऑलरेडी ऑन गोइंग कोर्स है, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग से लेके अब तक की सारी क्लासेस मिल जाएंगी अलॉन्ग विद द कंटेंट। और अगर मेंस की बात करें तो मेंस की क्लास अपनी जब से शुरू हुई है तब से लेके अब तक की सभी क्लासेस आपको वहाँ पे मिल जाएंगी अगर आप आज भी ज्वाइन करते हैं तो। लेकिन ये 2-4 दिन में ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप इसको नहीं देख पाएंगे। तो उससे पहले अगर आप एनरोल कर लेते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो आपको यहाँ पे सारी क्लासेस देखने को मिल जाएगी। रेस्ट कैसे भी पढ़िए, चाहे आप यूट्यूब से पढ़िए, चाहे आप प्लस पे पढ़िए, खुद से पढ़िए, सेल्फ स्टडी से अच्छे से अटैम्प्ट करें, कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम दे के आएंगे तो बेनिफिट होगा आप सभी को। जितना इंटरेस्ट लेके काम करेंगे उतना ही आपको उसमें ज़ोर नहीं आएगा करने में। अगर आप जस्ट फॉर्मेलिटी लेके चलेंगे तो मुश्किल लगेगा, अगर मन से मेहनत से काम करेंगे तो इजी लगेंगी सारी चीज़ें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, और कल मिलते हैं फिर से एक सब्जेक्ट के साथ फटाफट रिवाइज़ करने के लिए। थैंक यू सो मच।